खेला था तो उसके अंदर सबसे पहले एक रूम में भेजा गया था। तो यहाँ पर एक डोर है और डोर के नीचे ये चाबी। सो अभी हमें आई थिंक इसको चाबी को उठाना है। सो उठाते कैसे हैं? अरे उठ जा। अरे तो मैंने यहाँ पर चाबी उठा लिया है और इस सामने की तरफ रूम है। सो मैंने यहाँ पर खोल दिया है। तो गाइस देख सकते हो, मतलब भाई बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। और ये ना ग्रैनी देख सकते हो, ओ भाई ग्रैनी का फोटो लगा हुआ है। बट अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रैनी कहीं भी घर में हो सकती है और हमें उनसे बच कर यहाँ से निकलना है और जल्दी से हमें इस घर से बाहर निकलना है। तो अभी तो हमारे पास एक चाबी है तो हो सकता है कि आगे यहाँ पास कोई और रूम हो जिसको हम लोग खोल सकते हैं। तो ऊपर सीढ़ी है। ओ भाई ग्रैनी आगे छुपना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ जगह कहाँ है ये राज्य का, हम लोग इसमें अंदर छुप सकते हैं। तो अरे अंदर चल जल्दी अंदर चल। मम्मी 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 लगता है देख लिया यार। भाई भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे यार। अरे छोड़ दो भाई छोड़ दे बच्चों। ट्रैप कर दिया, मम्मी मार दिया भाई। मतलब कैसे मारी उसने यार। ये गेम तो बहुत ज्यादा डरावना है। ये दूसरा दिन है क्या? मतलब दूसरे दिन के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें दोबारा यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर चाबी कहाँ है। यहीं के थोड़े ये चाबी आई थिंक इस डोर के अंदर है। तो इसको हम लोग ले लिए और चलो दोबारा यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो दोबारा यहाँ पर बचना पड़ेगा। वो फिर से वैसे ही आई थिंक आ सकती है। सो हमें जल्दी लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कोई नहीं है। सो आई थिंक ऊपर से आएगी शायद। देखना पड़ेगा, रुक जाता हूँ एक मिनट। इस पर ध्यान से खेलूंगा यार क्योंकि भाई पिछले बार इतना गंदा मेरे को मार दिया, मतलब मैं रो दिया था। बट कोई ना, अभी मैं यहीं पर वेट करूंगा और देखूंगा कब आती है। उसके बाद जैसे ही जब आएगी तब मैं छुपूंगा, छुपने के बाद फिर मैं ऊपर जाऊंगा। अरे बट पहले आए तो अरे आ जा। अरे लगता है ऊपर ही जाना पड़ेगा यार, मतलब दिख ही नहीं रही है आई थिंक। धीरे धीरे जाना पड़ेगा भाई, मतलब ऊपर रही ना तो सही में मैं खत्म। तो अभी तो इधर कहीं भी नहीं दिख रही। सो और आगे जाते हैं और ऊपर, और धीरे धीरे जाना पड़ेगा भाई वरना फिर आएगी तो फिर मेरे को मार देगी। अरे कहाँ है? अरे इधर भी कहीं भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर छुपना पड़ेगा। यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ, हाँ यहाँ पर बैठ सकता हूँ मैं यार। बट अगर उसका लोकेशन पता रहता ना तो ज्यादा अच्छा रहता कि उसे लोकेशन से मैं पता कर लेता कि जैसे जब वो इधर आएगी तो मैं तुरंत उसके पीछे चला जाऊंगा। तो अभी तो ऐसा कुछ आवाज़ नहीं आ रहा कि कहाँ है। वैसे है कहाँ वो? इधर लिफ्ट है और साथ ही साथ इधर एक बस, यही बस है। और एकदम घर ही पूरा डरावना जैसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कब वो आ जाए, कब मेरे को मार कर चले जाए। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कहाँ है। तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा। सो अभी ये आई थिंक गेट है। सो कहाँ गई? अरे यहाँ भी कोई नहीं है। सो यहाँ पर देखते हैं और कुछ है तो। अरे 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 भाई फिर से आ गई। अरे भाई ये आई कहाँ से यार? फिर से मेरे को पक्का मार गई। पक्का बोल रही देखो आ गई भाई यार, मार दी यार। इसको पार कैसे करूँ? इतनी ज्यादा हार्ड है कि इसको मैं ऊपर जाते ही ऊपर से मैं मार देती हूँ और पता नहीं चलता कि उसका फुटप्रिंट का भी आवाज नहीं है कहाँ से आती है। बट कोई नहीं, हमें दोबारा ट्राई करेंगे। सो अभी दोबारा से हम लोग को रूम में यहाँ पास बंद कर दी है और यहाँ पास हमें दोबारा यहाँ पास चाबी ढूंढना पड़ेगा। सो चाबी ये रहा कवर में। सो चाबी ले लिए और दोबारा से हम गेट खोलेंगे। दोबारा से हम जल्दी इस बार ट्राई करेंगे जाने का। तो यहाँ पर जल्दी भाई देखते हैं यार, मिल तो नहीं रही है, लॉक भी नहीं हो रहा। तो आई थिंक अभी तो कोई नहीं दिख रही है। सो अभी हम ऊपर जाएंगे डायरेक्ट। तो इधर तो यार कुछ भी नहीं है आई थिंक। मुझे लगेगा कि भाई इधर कुछ होना चाहिए यार, बट इधर तो कुछ भी नहीं है। बट अभी हमें ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके देखना पड़ेगा भाई कहाँ यार। आराम से जाना पड़ेगा वरना फिर खत्म हो जाऊंगा। फिर यहाँ इधर कोई नहीं है और ये गेट वैसा का वैसे ही जैसा पहले खुला था। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है और ये गेट तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी शायद पता नहीं यार। अंदर तो चल ठीक है, इसके अंदर दिख भी नहीं रहा क्या चीज़ है। सो यार भाई मुझे ऐसा लगा यार वो आ रही है भाई। बट मैंने यहाँ पास गेट बंद कर दिया और आई थिंक मुझे लगा ये खुलने वाला। ये आई थिंक खुलता है यार, देख सकते हो। हाँ ये खुल रहा है। सो इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं, इसके अंदर कुछ भी है, खाली डब्बा है। बट यहाँ पर खाली डब्बा है तो इसको दिए क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको खाली डब्बा है तो दिए क्यों। तो यहाँ पास और भी एक गेट है जहाँ पास मुझे दिख रहा है। तो इस गेट को खोलने का ट्राई करेंगे। तो ये भी नहीं खुल रहा यार। मुझे लगा ये चाबी है तो चाबी से आई थिंक खुल सकता है, बट यहाँ पास खुल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक छुपने की जगह है, बट यहाँ पर छुप सकता हूँ। बट वो आई थिंक पता नहीं कहाँ है। वैसे भाई डर लग रहा है यार भाई, इतना ज़्यादा डरावना ये गेम है। इससे पहले जो मैंने अरे भाई मैंने खोला, सॉरी यार मेरे से खुल गया था गेट। बट कोई ना भाई, यहाँ पास हमें तो निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको लेवल को पार करना है। तो लेवल पार करने के लिए हमें तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ पास बाहर जाए या नहीं यार। वैसे इसके अंदर मुझे लगता है यार इसके अंदर कुछ तो और तो होना चाहिए, बट यहाँ पास मुझे नहीं लगता यार इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए ताकि यहाँ पर तभी तो दिया वो खोलने के लिए, बट यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। तो अभी तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा वरना भाई बाहर यहाँ पर रहकर भी क्या करेंगे क्योंकि हमें जल्दी से लेवल पार करना है। तो गेट खोलते हैं और चलते हैं बाहर। तो ग्रैनी इधर दिख रही है क्या? भाई यार कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, एकदम डर लग रहा है एकदम। अरे आगे प्लेस भी है नहीं, मतलब इधर कितना ज्यादा मेरे को डर लग रहा है। इधर क्या करो, एक गन है शायद, गन है क्या है? चाबी है। सो इसको चाबी को उठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाबी उठा लिया है। तो चाबी देखते हैं किस चीज का है क्योंकि भाई चाबी मिल गया है तो आई थिंक इसका डोर भी है, तो कोई डोर इसके अंदर से ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पास कौन सा डोर होगा? इधर का कोई डोर ओपन होगा या नहीं? तो आई थिंक इसका हो सकता है। तो नहीं यार इसका नहीं है यार, किसी और चीज का होगा। तो और देखते हैं कि और कहीं बहुत सारे डोर होंगे जो कि लॉक होंगे।
तो हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो अरे अरे भाई फिर से आ गई यार, यार पता नहीं मतलब कहाँ से आ गई हो यार, फिर से देखियोगी तो मुझे दोबारा छूना पड़ेगा भाई, छुप जाओ वैसे वहीं पे जगह। भाई बार बार बचे यार, वरना पक्का वो इधर आती नहीं तो पक्का मुझे मार कर जाती फिर से। और लेवल है मुझे भाई लेवल 1-3 से बहुत ज्यादा लेवल हार्ड लग रहा है, पता नहीं भाई कैसे इतना हार्ड लग रहा है, बट जो भी हो इस लेवल को तो कैसे भी करके पार करना ही करना है। तो अभी तो मैं वहां से निकल चुका हूँ और अभी हम ऊपर जाएंगे और दोबारा चेक करेंगे भाई ग्रैनी है कहाँ। वैसे तो आई थिंक इस फ्लोर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऊपर के भी आई थिंक पता नहीं कितने फ्लोर में, बट सबसे ऊपर में गए तो ऊपर तो आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखो यहाँ पास एक लिफ्ट है जहाँ से हम ऊपर से नीचे हो चुके हैं और एक गेट और यहाँ पास एक चीज, तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे। तो इसके अंदर गए और ये ओ भाई यार मतलब इसके अंदर दो भूत कैसे आ गए, एक तो भाई ग्रैनी थी और ये कौन है ग्रैंडपा। डर के मारे आवाज भी चेंज हो गया यार, यार जिंदगी में लगता है मरना ही लिखा है इसके अंदर, पार ही नहीं हो रहा। चलो कोई ना, यहाँ पर हम दोबारा ट्राई करेंगे। यहाँ पास भाई दोबारा पर ट्राई तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि कैसे करके इस लेवल को पार करना है, क्योंकि मैंने सारे के सारे लेवल पार कर दिए थे, बट भाई होगा यार लेवल पार होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा। भाई ग्रैनी को देखकर इतना डर नहीं लगता उतना, तो सिर्फ ग्रैंडपा को देखकर डर रहा था। तो अभी हम डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे, तो अभी तो इधर तो कुछ ढूंढ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पास कुछ है नहीं। यहाँ पास और क्या यार, अरे चाबी तो मिल गया ना, अरे नहीं मिला क्या, कहाँ गया चाबी, अरे चाबी कहाँ फेंक दिया, चाबी तो मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया चाबी यार, ये आई थिंक इसके बेड के नीचे होना चाहिए, तो बेड के नीचे भी नहीं है, तो है कहाँ गया चाबी, कहाँ गया, अरे अगर चाबी नहीं मिला तो मैं जाऊंगा कैसे बाहर, बिना चाबी के तो मैं गेट भी नहीं खुलता और ये भी नहीं खुलता, ये यहाँ पर आने का रास्ता, बट यहाँ पर डू नॉट ओपन फ्रॉम द साइड, मतलब इस साइड से हम ओपन नहीं कर सकते, तो इसके अंदर इस कवर में तो नहीं है, और आई थिंक और कोई कवर है क्या, नहीं इसके अंदर होगा, आई थिंक इसके अंदर तो होना चाहिए, ये रहा मुझे पता था कि इसके अंदर होगा यार, क्योंकि भाई रूम है, रूम के अंदर तो एक ना एक चाबी तो होगा, तो यहाँ से हम निकल गए। अभी देखते हैं इधर, अरे 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 ये तो नीचे घूम रही है, अरे भाई आ गई, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब ये पक्का मेरे को मारेगी, देखना कुछ ना कुछ यहाँ पर जाल वाल फेंको कर जाएगी, पता मुझे ऐसे ही कुछ होने वाला है यहाँ पर। वो रूम में आते हुए देख लिया यार, मुझे पता है मैं उसको देख चुका था, सो भाई देखते यार क्या होता है, तो उसको खोलूंगा तो पक्का देखना कुछ ना कुछ होने वाला है, बट फिर भी यार डर के आगे जीते, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करो बाहर तो जाना ही पड़ेगा, सो भाई खुल जाए यार, इसको खोलना ही पड़ेगा कुछ भी करो यार, भाई दुआ करो कि बाहर से वो चली गई हो, वरना सही बता रहा हूँ वो मतलब खत्म ही कर देगी। तो ये देखो यार मैं देख नीचे ट्रैप है, देख सकते हो, देखा मुझे पता था ट्रैप है, अब कुछ देर में आएगी मुझे मार वर के चली जाएगी, देखना ऐसे ही कुछ होने वाला है, तो देख सकते हो भाई यू ट्रैप यहाँ पर लिखा हुआ है, और 3-4 बार यहाँ दबाया और ये भाई इसके बाद एक बार भी टैप के देखो आ गई और ये मैं खत्म, लग ही रहा था यार ऐसे ही कुछ होने वाला है। वैसे मजाक बहुत हो गया यार, आप डैड सीरियस लेते हो, डैड इस गेम को तुरंत खत्म करते हैं, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा भी गेम हार्ड नहीं है जितना मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर चाबी, और चाबी लेने के बाद अभी डोर खोलते हैं, सो अभी हम जल्दी यहाँ पर काम करके ट्राई करेंगे। सो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो डैड हम ऊपर चलेंगे, तो ऊपर ध्यान से देखकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पास तो है नहीं, आई थिंक मुझे लगा यहाँ पास है बट यहाँ पास कोई नहीं है, और इधर इधर भी कुछ है क्या, इधर इधर भी कुछ भी नहीं है यार, मुझे लगा था इधर कुछ भी नहीं है, बट अभी और भी ऊपर फ्लोर है, सो अभी इधर भी तो मैं आया था क्या, इधर हाँ इधर आई थिंक मैं आया था, बट यहाँ पर मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत जगह ढूंढा बट इधर कुछ मिला नहीं था, और इसके अंदर भी गया था बट इसके अंदर भी कुछ भी नहीं था, गेट भी खुल नहीं खुल रहा था, बस यहाँ पर एक डब्बा था बट डब्बा भी यहाँ पास नहीं खुल रहा था, तो शायद इस फ्लोर में तो आई थिंक कुछ है नहीं, बट यहाँ पास ये गेट खुला था क्या, गेट भी नहीं खुला था यहाँ पास अंदर से, मतलब उस पार से जब खोलेंगे तब जाके गेट खुलेगा, बट अभी तो ये गेट नहीं खुल रहा है, तो आगे जल्दी हमें चलना पड़ेगा क्योंकि भाई ग्रैनी आ जाएगी तो फिर हमें खत्म हो जाएंगे, तो ऊपर चलना पड़ेगा। सो अभी ऊपर पर फ्लोर है, यहाँ पास पता नहीं था यार एक और फ्लोर है, सो यहाँ पर आ चुका हूँ, अरे एक और ऊपर फ्लोर है, बट अभी हम यहाँ पर देखना पड़ेगा, आराम से खेलना पड़ेगा, भाई कहाँ गया यार ग्रैनी, यहाँ पास नहीं है, और ये आई थिंक ग्रैंडपा का डोर है जो कि मैं पिछले बार आया था, पिछले बार मेरे को मार दिया था यार। तो आई थिंक हम यहाँ पास किचन में आ चुके हैं, और यहाँ पास एक गेट है जो कि ये क्या चीज़ है यार, यहाँ पास ये पता नहीं मतलब क्या लग रहा है, पता नहीं समझ में भी नहीं आ रहा, ये आई थिंक एकदम अंदर वाला एकदम सीक्रेट डोर है, सो देख सकते हो यहाँ पर एक सीक्रेट डोर में यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ दिख नहीं रहा है यार, यहाँ पर आई थिंक कुछ गन के यहाँ पर गोलियाँ हैं जो कि यहाँ से, बट गन भी इसके अंदर होना चाहिए, मेरे दोस्त ने बताया इसके अंदर गन भी मिलता है, बट यहाँ पर गन तो नहीं है, तो यहाँ पर तो और कुछ दिख नहीं रहा है, और यहाँ पर गोलियाँ ही दिख रही है, गन भी यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखते हैं और कुछ है या नहीं, तो ये भी एक गेट है, बट ये भी खुलेगा क्या, आई थिंक हो सकता है ये भी खुल जाए, बट यहाँ खुला बट यहाँ पास कुछ है नहीं यार। तो जल्दी आगे चलते हैं भाई, क्योंकि भाई ग्रैनी का भी कोई पता नहीं कब आ जाती है, पता भी नहीं चलता मुझे, तो और आगे चलते हैं, तो और आगे देखते हैं कि और क्या है। सो यहाँ पास एक गेट है, तो इसके अंदर जाएंगे, नहीं ये भी नहीं खुल रहा है यार, इसको भी पता नहीं कैसे खुलेगा बट समझ में नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पास गेट है, तो ये यहाँ पास खुल चुका है, और ये आई थिंक मैं आ चुका हूँ, एक बार यहाँ पर आ चुका हूँ जो कि ऊपर वाले फ्लोर से, आई थिंक नीचे वाला गेट खुलेगा, तो इसको तो मैंने खोल दिया। सो ऊपर देखते हैं यहाँ पास क्या है, आई थिंक यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं यार, ये बस आई थिंक किचन है, किचन के बाद यहाँ पर मैं आ जा रहा हूँ, बट यहाँ पर हमें यहाँ नहीं जाना, ये टैप टैप बस हो रहा है, आई थिंक हमें और ऊपर जाना पड़ेगा, तो और ऊपर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यार, और कुछ तो है नहीं यहाँ पास, और ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि भाई और ऊपर भी कहाँ पास होगा यार, तो यहाँ पास और ऊपर आ चुका हूँ। तो भाई यार कहाँ से आ गए यार, सही बता रहा हूँ, मतलब मैं देखा भी नहीं इसको, अचानक से आ गई है। अब जो भी यार मैंने खेले वाला, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, फालतू का एकदम दिमाग खराब हो रहा है इसके ऊपर, तो यार आज को ये कंप्लीट नहीं हो पाया, बट दोस्तों यार चैनल को बस सब्सक्राइब करना, ताकि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आप सभी को बता सकूँ, और साथ ही इसको मैं पूरा का पूरा मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं पूरा कंप्लीट कर सकूं। तो आज के लिए सॉरी, और तब तक के लिए बाय बाय।